क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर निकले हो मस्त सुहाने मौसम में ड्राइव पे और आपको अचानक से याद आए कि आप अपने ज़रूरी कागजात जैसे कि आपका ड्राइवर्स लाइसेंस इंश्योरेंस ये सब के कागजात जो हैं वो घर पे ही भूल आए हैं। कितना बढ़िया लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि जितने भी ज़रूरी कागज़ होते हैं जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया इंश्योरेंस के पेपर्स हो गए इन सब को आप डिजिटली आप अपने फ़ोन के अंदर रख सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आयत नाजा, स्वागत है आपका गैजेट 360 हिंदी पे और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा और आसान बना सकते हैं और बाहर जाते वक्त आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि भाई मेरे पास लाइसेंस है कि नहीं या अन्य कागज़ हैं कि नहीं। 2018 में भारत सरकार ने पास करी थी एक एडवाइजरी सारे राज्यों के लिए कि जो अगर व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो गई या ड्राइविंग लाइसेंस हो गई या अगर आपके डिजी लॉकर में या एम परिवहन ऐप में स्टोर्ड है तो इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो कुछ भी शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक अपना एक अकाउंट बना लीजिए डिजी लॉकर में और इसकी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन पे या फिर इसकी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, जो लिंक्स हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और शुरुआत करते जरा स्टेप्स के साथ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सरल है, मेरे साथ फॉलो करते जाइए। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप डिजी लॉकर में साइन इन कीजिए, आपको एक OTP मिलेगा अपने रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे। साइन इन करने के बाद आपको दिखाई देगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने स्मार्टफोन पे लोड कर सकते हैं, इसके अंदर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट और भी अन्य जो ज़रूरी कागजात होते हैं वो शामिल होते हैं। आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की जो आपकी डॉक्यूमेंट होंगे उस ऑप्शन को। वहां पे आपको काफी सारे और ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें से चूज करिए ड्राइविंग लाइसेंस के ऑप्शन को। उसके बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर वहां पे डालिए और ये स्टेप पूरा होने के बाद कंसेंट का एक चेकबॉक्स होगा, उस पर टिक लगाइए और आपको डॉक्यूमेंट की प्राप्ति हो जाएगी वहीं डिजिटली। और अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी रखनी है तो वहां पे एक हैमबर्गर मेन्यू होगा जिसमें वो तीन ऐसे आइकन बने होते हैं, तीन बार होते हैं लाइन में, उस पर आप हिट कीजिए और क्लिक कीजिए व्यू PDF पे। अब उसका डाउनलोड का बटन होगा सबसे नीचे दाहिने भाग पे, उस पर आप टैप करिए और आपका जो लाइसेंस होगा वो आपके डिवाइस पर डाउनलोड हो जाएगा। तो हो सकता है आप कहीं पे एकदम दूर दराज कोने में अपनी गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास वहां पे नेट की थोड़ी दिक्कत है, तो आपके पास वो आपके डिजिटल लॉकर के अंदर वो डॉक्यूमेंट सेव्ड है, तो आप उसको बाद में दिखा सकते हैं। वहां पे अगर कोई जरूरी कर्मचारी या ऑफिशियल आ जाए आपसे पूछने लगे हाँ भैया क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो वहां पे आपके काम आ सकता है। तो दोस्तों ये था आपकी ज़िंदगी को सरल बनाने का एक छोटा सा उपाय। आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके अपने डिजी लॉकर में अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रख सकते हैं और अन्य जो कि ज़रूरी कागज़ होते हैं उनको रख सकते हैं और इसको फॉलो करने के बाद आपके लिए चीज़ें जो है थोड़ी सी और आसान हो जाएंगी। और कभी अगर आप बाहर निकले होंगे और शायद अपने ज़रूरी कागज़ को भूल भी गए होंगे तो भी अगर आपके पास फ़ोन के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। और इसमें आपको इस बात का भी डर नहीं होगा कि भैया ये कागज़ चोरी हो सकते हैं या ख़राब हो सकते हैं या इन पर पानी पड़ जाएगा, क्योंकि आपके फ़ोन पे होगा और अपने फ़ोन को तो हम लोग अपनी जान से भी ज़्यादा बचा के रखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, गैजेट 360 हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आग की तरफ फैला दीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।